नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का थिंक सेंग्विन के इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है कि NDA के लिए जो 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा ये समस्या है, छात्र बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन रेट जो है बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि NDA के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कितना नहीं। तो दोस्तों आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनडीए 2024 के लिए न्यूज़पेपर क्यों पढ़े, आखिर क्यों पढ़ना जरूरी होता है। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहला कि क्या क्या इसका मदद है हम लोगों को, और दूसरा ये बात करेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एनडीए 2024 के लिए आपको न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसका पहला उत्तर होगा क्योंकि दोस्तों आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और लगातार 6-7 महीना अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप इंग्लिश के जो पेपर होते हैं एनडीए में उसमें 40 प्लस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि आपको एक फीलिंग आने लगेगा, तब ना तो ग्रामर का कोई रोल रह पाएगा ना ही वोकैब का कोई रोल रह पाएगा, फील कर पाएंगे शब्दों को। ये एक लेवल हो जाता है इंग्लिश में जिसमें छात्र को पेपर का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कितना भी इंग्लिश में पेपर टफ हो जाए, क्योंकि दोस्तों वहां पर थिंकिंग एबिलिटी हमारा डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा कि आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इंग्लिश पे पकड़ आ जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इस तरह की कई चीजों पे आपको फ्लुएंसी आ जाएगी, पकड़ आ जाएगी आप, ताकि SSB में जाकर आराम से इंग्लिश को आप सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको थिंकिंग पे पकड़ आ जाएगा कि हमें, मतलब थिंकिंग पे पकड़ आने का मतलब आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इसका रियल मैं आपको प्रभाव बताता हूं। मैं हिंदी माध्यम का छात्र था, मैं लगातार 2 साल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, उसके बाद हिंदू पढ़ा, तो मेरे अंदर में मैंने कहीं पर भी इंग्लिश का कोर्स नहीं लिया, स्पोकन नहीं सीखा, लगातार मैं पढ़ते गया और एक बार ऐसा लेवल आया कि मैं खुद ब खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में सारे चीजों की पिक्चर मतलब चलने लगी। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा। मतलब सर आंसर राइटिंग एनडीए में आंसर राइटिंग कब से होने लगा? वेट, जब आप एनडीए का रिटेन निकालेंगे तब SSB के लिए जाएंगे, और SSB में दोस्तों एक होता है PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको पिक्चर दिखाई जाएंगे जी, उस पर आपको कहानी लिखना होगा, ये तो आप लोग परिचित होंगे। दोस्तों क्या इसमें न्यूज़पेपर कैसे हमें मदद करेगा? दोस्तों न्यूज़पेपर में आए दिन हजार कहानियां आते रहते हैं, इंस्पायरिंग, सिचुएशन रिएक्शन वाला, कई सारे ऐसी कहानियां आती रहती है जिसको आप समझकर बूझकर आप उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई कहानी नहीं याद रहेगा आप नहीं लिख पाएंगे। और न्यूज़पेपर में एक प्रॉपर वे में चीजों को नरेट किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि मतलब कि ये चीजें, यहाँ पर ये डैम खुली, ये हुई, यहाँ पर ये आर्मी पर्सनल ऐसे काम किए, टनल बना, बहुत सारी बातें एक प्रॉपर वे में स्टोरी के थ्रू बताया जाता है, तो आप उसे अच्छे ढंग से लिख पाएंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपको दोस्तों PPDT दिया जाएगा लिखने के लिए और दोस्तों उसमें आप हो जाएंगे ब्लैंक, बिल्कुल खाली हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई स्टोरी नहीं रहेगा, कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा, आप कोई पैसेज कैसे लिख पाते, आप कोई एसे कैसे लिख पाते जब आपको पूरी तरह से उस पर पकड़ आता है। अगर पकड़ नहीं रहेगा तो आप एसे कैसे लिखेंगे। दोस्तों अगला दोस्तों आपका है कि गुड क्लिंच ऑन करेंट अफेयर्स। देखिए करेंट अफेयर जो है उस पर अच्छे पकड़ हो जाएंगे, क्योंकि आप डेली डेली न्यूज़पेपर देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो करेंट अफेयर्स पे आपको बहुत बढ़िया पकड़ आ जाएगा, कहाँ पर क्या घटनाएं हुई, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, मतलब जब पढ़ेंगे इससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा जब आप GD के लिए जाएंगे ना, इसमें एक GD भी होता है ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों उसमें आप फाड़ देंगे और विद्यार्थी कंपेयर। देखिए जब SSB इंटरव्यू में जाते हैं तो जहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस आए तो समझ लीजिए वो हॉट टॉपिक है, उसमें कोई जल्दी घुसना नहीं चाहता है। अगर आप जब कभी इस तरह चर्चा करेंगे तो आपका जो है डिमांडिंग हो जाएगा, उसमें जल्दी आपके कंपेनियन उस पे बहस नहीं करेंगे, अपोजिट बहस नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इंटरनल रिलेशन बहुत कम को समझ में आते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आप सबसे अलग हो जाएंगे, SSB में आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको SRT में मदद मिलने वाला है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको कोई सिचुएशन दिया जाएगा, आप देखिए मान लीजिए कि हम कोई ऐसा प्रेशर वाला काम करते हैं और हमारे माता पिता ये पहले से हमें बताकर रखें, या हम कहीं से पढ़े हैं कि जब कभी जीवन में प्रेशर आए, कई सारी ऐसी स्थितियां आए, तो उसमें शांत रहना, कंपोज रहना और हर एक बार आराम से काम को करना है, तो हमने कहां से सीखा, या तो न्यूज़पेपर से या हमने अपने पेरेंट्स से, तो हमें आराम से कंपोज रहना है। ये सब इंडिया वर्ल्ड कप लूज कर गया, हम लोग हार गए वर्ल्ड कप, हो सकता है अगली बार हम लोग जीते, तो अभी हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, आराम से हम अपने मौका का तलाश कर रहे हैं, बहुत बड़ा डिफिट ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए।
तो ये चीजें हुई ना। तो दोस्तों किताब जो है आपका, चाहे न्यूज़पेपर, एक प्रकार का किताब, ये बहुत बड़ा किताब, उसको पढ़ने से आपको एसआरटी में मदद मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा केवल आपको ये रिटर्न में मदद नहीं देगा, बल्कि WAT में, WAT माने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि सब दिखाएंगे और उस पर आपको सेंटेंस बनाना होगा इंटरव्यू में। आप अगर ये पढ़े रहेंगे तो आपके लिए चुटकी में काम है सेंटेंस बनाना, ठीक है। जिसे मैंने आपको एक शब्द बोल दिया चैट, आप उस पर सेंटेंस बना देंगे। मैंने आपको बोल दिया एक्यूज्ड, आप उस पर सेंटेंस बना देंगे, बिकॉज आपने न्यूज़पेपर में डेली ये शब्द पढ़ा, एक्यूज्ड, एलिगेशंस, डिफेम, ये सारे शब्द आप न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते हैं, ठीक है, कैटास्ट्रोफे। तो ये सब चीजें कैसे आपको पता चलेगा, क्या रटने से? नहीं, न्यूज़पेपर से डेली आपको वर्ड भी रिवाइज होता है, WAT में भी काफी मदद मिलने वाला है। तो जो हमारा सीधा मानिए, जो बच्चे नहीं पढ़ते NDA के लिए न्यूज़पेपर, समझिए कि वो अपना सिलेक्शन को अपने हाथों से मतलब घोट रहे हैं, उसके सिलेक्शन के गले को घोट रहे हैं, ठीक है। मतलब उसे कहते हैं जस्ट स्ट्रेंगुलेट करना, हमें हिंदी ज्यादा नहीं आता, कि आप यार अपना सिलेक्शन को अपने हाथों से स्ट्रेंगुलेट मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। इसके अच्छा अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, यू मस्ट गो फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, आपको मदद मिलेगा। आप जब 4-5 महीना टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिए, जस्ट मूव ऑन टू द हिंदू, ठीक है, द हिंदू पे आप चले जाइए। और उसके बाद आप मिडिल में हैं, आप जैसे फाइनेस्ट न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए। ये तीनों का तीनों अखबार में से कोई एक पढ़िए, तीनों नहीं पढ़ना, कोई एक पढ़िए। अगर आपका इंग्लिश लो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश थोड़ा एवरेज है तो द हिंदू, और इंग्लिश ठीक ठाक है उसके लिए द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। लेकिन जो बच्चे का इंग्लिश एवरेज रहेगा वही द हिंदू को समझ पाएगा, लेकिन एडिटोरियल वाला पार्ट अभी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से कंपोज होकर काम करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि NDA 2024 की न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। आप दोस्तों देखिए, आप इतना फायदा जानकर भी अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो समझिए आप अपने सिलेक्शन को रोक रहे हैं अपने हाथों से, अपना रिकमेंडेशन लिस्ट को आप ओमिट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, प्लीज आप न्यूज़पेपर को कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल कर डेली पढ़िए। इससे ना केवल आपका इंग्लिश अच्छा होगा बल्कि सारे चीज जो मैंने बताया वो अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हर दिन रटने पे रहते हैं। इंग्लिश पढ़ना है लेकिन न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में, ये आपको मेरा क्या है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।